शुभोदय बच्चों, सभी को आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। मैं पिछले क्लासेस में भी आपको समझाई, मगर फिर से एक बार आपको समझा रही हूँ। कोई भी अभी तक आपके क्लासवर्क में मैं अभी तक व्याकरण एक जगह पे नहीं देखी, तो आप लोग जो मैं बता रही हूँ वो एक जगह पे लिख लीजिए क्लासवर्क में। कंटिन्यूएशन जहाँ तक आपका हो गया वहाँ तक से व्याकरण लिखिए। व्याकरण में मुख्य रूप से छह होते हैं, वो है पहला संज्ञा, आपको मालूम है, दूसरा सर्वनाम, क्या है दूसरा सर्वनाम, और तीसरा क्रिया, तीसरा कौन सा है क्रिया, और चौथा विशेषण, चौथा कौन सा है विशेषण, और पांचवा क्रिया विशेषण, पांचवा कौन सा है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और छठवा कौन सा है काल, छठवा कौन सा है काल। ये छह मुख्य रूप से सिक्स एंड सेवेंथ क्लासेस वालों को बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छह आप पढ़ के रहना है, समझ के रहना है, आना जरूरी है, और एक एक के बारे में आप देखेंगे, ठीक है। मैं जैसा लिखती हूँ आप लोग उसका डेफिनेशन लिखना है, उदाहरण भी आप लोग लिखना चाहिए। पहला है संज्ञा, पहला कौन सा है संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम, वस्तु, स्थान, जानवर, लोगों के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये सब डेफिनेशन भी आप लोग अपनी किताब में लिखना चाहिए, इसलिए तो मैं आपको लिख के भी बता रही हूँ। इसके उदाहरण राजू, रमा, लता, मीरपेट, कुत्ता, कैसा भी, इतने भी लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, एक दो तीन चार पांच उदाहरण के वाक्यों को लिखना है। मेरा नाम राजू है, मेरा नाम राजू है, मेरा नाम राजू है, इसमें सामने कौन सा है राजू, ऐसा अंडरलाइन करके पांच वाक्य आप लोग लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। पांच वाक्य आप लोग लिखना चाहिए, क्योंकि इन पांच वाक्यों को आप जैसे आपको समझ में आता है वैसा मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। ये संज्ञा, दूसरा कौन सा है सर्वनाम है, जैसा दूसरा कौन सा है सर्वनाम, दूसरा कौन सा है बेटा सर्वनाम, सर्वनाम बहुत आसान है याद रखना, कैसा याद रख सकते हैं संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण, संज्ञा के बदले में का मतलब यह, ये, वह, वे, यहाँ, वहाँ, इधर, ये सब कुछ संज्ञा के उदाहरण है। आप लोग ये शब्दों को उपयोग करते हुए क्या करना है, पांच वाक्य लिखना चाहिए। इन शब्दों का उपयोग करते हुए अब क्या करना है, पांच वाक्यों को लिखना चाहिए। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में, जो संज्ञा जहाँ पे नाम रहता है उसके बदले में आने, देखो राजू भागता है, राजू पढ़ता है, राजू खाता है, इतने बार राजू, राजू पढ़ने से अच्छा राजू भागता है, वह लिखता है, वह अच्छा पढ़ता है, वह खा रहा है, ऐसा वह हम उपयोग कर सकते हैं।
चाहिए ना। ठीक, इसके बाद तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? क्रिया। ये भी बहुत आसान है, याद रखना। क्रिया तीसरा कौन सा है? क्रिया। जो काम हमसे किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण भी पूछूंगी, आप लोग बताना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।